इस मूवी में हम प्रीवियस मूवी से कंटिन्यू करते हुए प्रोजेक्ट में टास्क को इंसर्ट करेंगे। अब हम टास्क की एक सीरीज़ को टाइप करेंगे। हमने टास्क की एक सीरीज़ को टाइप कर लिया। अब हम इन एग्जिस्टिंग टास्क को मिलाकर एक समरी टास्क बनाना चाहते हैं, तो रो हेडर पर क्लिक करके टास्क को सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर टास्क टैब के इंसर्ट ग्रुप में से इंसर्ट समरी टास्क पर क्लिक करेंगे। प्रोजेक्ट ने समरी टास्क को क्रिएट कर लिया और एग्जिस्टिंग टास्क एक लेवल नीचे की तरफ चले गए। जैसा कि हमने प्रीवियस मूवी में बताया था कि जब समरी टास्क मैनुअल टास्क मोड में होता है तो वो एडिटेबल होता है। हम पहले समरी टास्क में ड्यूरेशन को एंटर करते हैं और फिर सब टास्क को एंटर करते हैं। बार चार्ट समरी टास्क के अलावा सब टास्क के ड्यूरेशन को भी शो करता है। अब हम इस टास्क को मैनुअल स्केड्यूल मोड में सेट कर लेंगे। और अब ड्यूरेशन को ऐड करेंगे। बार चार्ट एरिया समरी टास्क के ड्यूरेशन को शो कर रहा है। अब सब टास्क पे ड्यूरेशन को ऐड करते हैं। नीचे नजर आने वाला बार सब टास्क के ड्यूरेशन को शो कर रहा है। अब अगर हम इस टास्क को ऑटो स्केड्यूल मोड में सेट करेंगे और फिर ड्यूरेशन को चेंज करेंगे, तो ये दोबारा मैनुअल स्केड्यूल मोड में स्विच कर जाएगा। अब एक और फाइनल पॉइंट को मेंशन करते हैं। अगर हम सब टास्क की सीरीज के दरमियान किसी नए सब टास्क को ऐड करना चाहें, तो जिस जगह हम सब टास्क को अपीयर करना चाहते हैं उस सेल पर क्लिक करेंगे और फिर टास्क को ऐड करने के किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। हमने राइट क्लिक करके इंसर्ट टास्क के ऑप्शन को चूज कर लिया। हम सिंपली कीबोर्ड में मौजूद इंसर्ट के बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। अब हम सब टास्क को टाइप कर लेंगे। प्रोजेक्ट ने ऑटोमेटिकली एक सब टास्क को ही इंसर्ट किया है, क्योंकि उसने ऊपर और नीचे क्रिएट किए हुए इंडेंट को ही सिलेक्ट किया है। अब हम समरी टास्क के रिव्यू को रैप अप करते हैं। नेक्स्ट मूवी में हम प्रोजेक्ट में माइलस्टोन को इंसर्ट करेंगे।